और भागलपुर बिहार का इकलौता गांधी विचार विभाग आज लाचार है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इस विभाग में एमए स्तर तक की पढ़ाई होती है। 1997 से लेकर अब तक ब्यूरोक्रेसी ने अपने फांस में गांधी के सपनों को उलझा रखा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग की स्थापना 1980 में हुई। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1997 में गांधी विचार विभाग का स्वराज हॉल ध्वस्त हो गया और इसके साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा का ढांचा ही ध्वस्त होता चला गया। एक शिक्षक के नाते ये महसूस करता हूँ कि शायद गांधी विचार विभाग ज्यादा खतरनाक विभाग हो गया है आज के विश्वविद्यालय व्यवस्था के लिए, और वो डरे हुए लोग हैं जिनको गांधी जी से डर लगता है। इसलिए सवाल इसका नहीं है केवल कि इसकी छतें गिरी हुई हैं, पूरा जो एकेडमिक स्वरूप है वो पिछले कई वर्षों में बिगाड़ा गया है। इसी विभाग की दशा की कहानी देखकर आपको तरस आएगा। 2010 में 11,77,000 और 2012 के जनवरी माह में 7 लाख रुपए विभाग के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए, लेकिन विश्वविद्यालय के ठेकेदार इंजीनियर ने सारी हदें पार कर दी, यानी ध्वस्त होने के 15 साल बीत जाने पर भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। यह आवाज भी लाचारी भरी है। लाचारी दो स्तर पर है, जिसको मैं एक शिक्षक के नाते और गांधी विचार को समझने के नाते कहना चाहूंगा। ये लाचारी इस व्यवस्था की है। अगर ये व्यवस्था मुक्त कर दे तो मैं महसूस करता हूं कि आज भी इस देश में और दुनिया में गांधी को प्रेम करने वाले इतने लोग हैं जो इतना पैसा जुटा सकते हैं इस भवन के निर्माण के लिए न केवल, बल्कि गांधी जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए। गांधी जी के ये तीन बंदर आप देख रहे हैं। ये तीनों बंदर सांकेतिक तौर पर विभाग की लाचारी बयां कर रहे हैं। गांधी जी सुखोरी के खिलाफ है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, यहाँ का जो व्यवस्था है, वो पूरा व्यवस्था यही कह रहा है कि उस सरकार के पैसे को निजी अकाउंट में जमा किया जाए और उसका जो सूद है उसको खाया जाए। शायद ऐसा ही दिखता है।